राजपुरा के नेड़ले पिंड खडोली दे विच किसानां अते पिंड वासियां ने संयुक्त किसान मोर्चे दे विधान सभा हलका कनौर तो उम्मीदवार नूं विशेष तौर ते सन्मानित किया ते हर तरह दे नाल समर्थन देण दा ऐलान भी किया। दस दईए कि संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों हलका कनौर तो एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया। इस मौके ते एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि ओह रवायती पार्टियां वांग मनी अते मसल दी राजनीति तो परहेज करनगे अते किसे भी तरह दे नशे दी वंड वढ़ाई नहीं कीती जावेगी। उन्होंने कहा कि हलके विच किसानां दीआं समस्यावां अते घग्गर दे पानी दा बंदोबस्त करना उन्हां दा पहला काम होवेगा। इस नाल उन्होंने कहा कि जो वादे कीते जाणगे ओह पूरे भी कीते जाणगे। सिंह समाज मोर्चा वल्लों विधानसभा हलका कनौर तो टिकट मिली है, उहदे बारे तुसीं की कहना चाह रहे हो जी? सब तो पहला तो मैं धन्यवादी हाँ संयुक्त समाज मोर्चा का, साडे प्रमुख आगू सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी का, जिन्होंने मैनू ये सेवा इत्थे बख्शी है कनौर हल्के तो। ये सेवा एक लोक सेवा है। असीं पहलां पंजाब दीआं जथेबंदीआं ने इकट्ठे होकर दिल्ली संघर्ष किया, हुण यह भी एक संघर्ष है जिहदे विच असीं उतरे हाँ, क्योंकि पंजाब का बहुत बुरा हाल है। पंजाब बहुत जिहड़ा निघार वल जा रहा है। पंजाब दे अंदर रवायती पार्टियां बड़े लंबे समय तो ना लोगों का कोई मसला हल कर रही ने, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को चिरां दे लटकते आ रहे मुद्दे ने जड़े वो होर भी बदतर होंदे जा रहे हैं। पंजाब च विद्या का हाल, सेहत का हाल, करप्शन, दूजे मसले जीवनी तो पे ने। इसलिए संयुक्त समाज मोर्चा मैदान च उतरिया ता कि इन मसलों का कोई स्थाई हल किया जा सके। उजाड़ा रोको संघर्ष कमेटी इन्हों का मैं बड़ा धन्यवादी हाँ, जिन्होंने एड्डा वड्डा इज्जत मान बख्शे और इस गल की इन्होंने गरंटी की है कि असी संयुक्त समाज मोर्चे के नाल और इस हल्के तो मैनू पूरा समर्थन देंगे और पूरा एक किस्म की इतने लहर बना के संयुक्त समाज मोर्चे पंजाब की रास्ता दे उपर एक किस्म का मौका देंगे लोगों की सेवा करने। प्रधान साहब तुम चोन मैदान उतरे हैं, तुम की हल्के वास्ते तो लोगों वास्ते की मतलब चोन मैनीफेस्ट मेन तुम की लैके आ रहे हैं? देखो जितों तक तो हल्के की सवाल है, सब तो प्रमुख सवाल तो मेरे लिए यह है क्योंकि जमीना के सवाल तो मोर्चा लगे से दिल्ली, जमीना की राखी करनी सी। कारपोरेट सैक्टर जोड़ा जमीना खो रहा है छोटे किसानों तो, इतने बहुत वीडी घोर बेइंसाफी हुई है। छोटे किसान ने एक वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट श्री राम ने इन्हों तो 26 साल पहले जमीन खोई हुई है। सब तो पहला साडा निशाना तो यह है संयुक्त समाज मोर्चे का कि जे सानू लोग ताकत बख्शणगे तो सब तो पहली कलम है संयुक्त किसान मोर्चे की इन्हों किसानों इंसाफ दवाण ली उस कारखाने का तो जमीन खो के इन्हों देने चलेगी। दूसरा सवाल इस मोर्चे यह है इस हल्के का कि इतने पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। नरवाणा ब्रांच नहर तो उत्तर आले पासे तरसदे लोग पानी दे लई, खेतों नूं पानी नहीं लगता, दंदना दा होया पानी सारा हरियाणे चले जांदा है। इसलिए असी ये उत्तर आले पासे जिहड़ा नहरी पानी दी सिंचाई करांगे। वैसे तां साडी मंग है कि सारे पंजाब दी वाहीयोग जमीन नूं नहरी पानी दी व्यवस्था होवे। तीसरा सवाल इत्थे जिहड़ा घग्गर दा, घग्गर इक ऐसी इस इलाके लई गंभीर समस्या है। मैं कहना भी जदों दा पिछले दहाकियां तों किसी ने इसका हल नहीं किया है। सरकार आउंदियां ने, हर अकाली आवे, कांग्रेस आउण, कोई भी आवे, वह वादा करदियां ने कि जी घग्गर का हल करांगे, इहनू चैनलाइज करांगे, नहर का रूप धारण होएगा, उत्थे डैम लगेगा, इत्थे जिहड़ियां फसलां नहीं बर्बाद होणगियां, घर नहीं ढहणगे, पर किसी ने हल नहीं किया। सो असी संयुक्त समाज मोर्चे नूं जे जनता इस दा मौका प्रदान करदी है तां पहल दे आधार ते घग्गर दा इत्थे स्थाई हल करांगे, ना इत्थे नुकसान करे और धूर खनौरी तक संगरूर का जिहड़ा घग्गर है ये तबाही मचाउंदा, जो हड़ आउंदे है इस नूं कोई नथ नहीं पाउंदा है, इहदा स्थाई हल करांगे। वकील साहब तुसीं जिहड़ी गल कीती है तुसीं भी लोकां नूं इह समस्या प्रदान कराओगे, की तुसीं इहनूं अपना मैनीफेस्टो दा इहनूं एज डाकूमेंट लीगल डाकूमेंट वजों पेश करोगे? देखो इस तरह जी, असीं जदों पार्टियां नूं बुलाया सी उहदे विच इह गल असीं उभार के कही सी वी तुहाडा जिहड़ा मैनीफेस्टो लीगल डाकूमेंट चाहीदे ने। अज संयुक्त समाज मोर्चा इस गल लई कमिटड है, असी कहने साडा जिहड़ा मैनीफेस्टो जारी करन वाले हां असी
वो मैनीफेस्टो घट तो घट गल कहे जिन्होंने अं पूरा कर सकी वध नहीं कहे थोड़ा कहे पूरा करा पर लीगल डाकूमेंट बनाने का सवाल है असैम्बली ने बनाना है असी मंग करते हैं कि असैम्बली मता पास करे और उसमें लीगल डाकूमेंट बना दे जे संयुक्त समाज मोर्चे को मौका मिलेगा तो पहला मता ही पास करा सा डाकूमेंट लीगल डाकूमेंट नहीं तुम सब तो पहले थोड़ी दसा लिस्ट आई है तुम पंजाब कि सीटा से चुन लड़न जा रहे हो संयुक्त समाज मोर्चा 117 सीटा साडा किसी पार्टी कोई लैण देन नहीं 117 सीटा के लोगों के संघर्षा की कुठाली जो परखे हुए उम्मीदवार अं उतारा जोड़े ईमानदार होंगे लोगों सेवा लिए समर्पित होंगे उन्हों का उद्देश लोगों की सेवा करना होगा अपनी सेवा करना नहीं होगा। वकील साहब दूजी गल यह है भी जिहड़ियां बाकी रवायती पार्टियां वो लोगों ने कई कई बार परख लिया तुम पहली बार चुनाव मैदान च उतरे हैं तुम मतलब लोगों लोगों के कचहरी के मेन चीज़ लैके जाओगे लोग तुम वोटा पाने तुम कुर्सी पर बिठाओ ये की मतलब लोगों देने जा रहे हैं। देखो रवायती पार्टियां तो सत्त दा हक तो लोगों ने देखा हो बदल बदल के उही आते हैं मनी एंड मसल पावर है कोई एजेंडा है नहीं ना लोगों की सेवा दे अपनी सेवा करते हैं भाई पीती जब आवाज़ को बढ़ावा दिता जा रहा है असी इस सिस्टम बदलना चाहते हैं पंजाब दे विकास है ठीक लिया के उपरावे पंजाब नशे डुबया हुआ है पंजाब की जवानी सारी बाहर जा रही है इतने सेहत का बुरा हाल है विद्या का बुरा हाल है खेतीबाड़ी का बुरा हाल है असी एक मुकाबले तो एक पॉजिटिव एजेंडा लेके आवेंगे पूरा जिहड़ा प्रो पीपल पंजाब मॉडल ताकि एक मॉडल स्टेट बने पंजाब सारा देश उसनूं देखे खेतीबाड़ी का पहले तो सुधार करांगे हुण कारपोरेटाइजेशन है जिहड़ी जिस दे खिलाफ असीं लड़े हाँ कारपोरेट्स का कब्जा खेतीबाड़ी की भी सरकार करा रही है इंडस्ट्री उन्हां दा कब्जा है सारे जिहड़े माफिया चल रहे हैं उन्हां दे कब्जे दे विच ने जिहड़ी विद्या दे पुरां दा कब्जा है सारे कारपोरेटां दा कब्जा तोड़ांगे पहले तो हर चीज़ सरकारी कंट्रोल च आवे और सरकार का खजाना जिहड़ा वधे सरकार की आमदन वधे अज तो सरकार के खजाने अपने निजली लुटिया जा रहा है सारे माफिया बना के ये जे बेसिक चेंज असं लिया दें तो मैं कहना भी बहुत जड़िया बेसिक समस्यावान रुजगार वर्गियाँ किसानों जिनसा के भाव मिलने लोगों रुजगार मिलना कच्चे मुलाजम सड़कों के पर रुल है 36,000 वो कंट्रैक्ट सिस्टम है इन्हों खत्म क्यों किया जा सकता इंस्पैक्टरी राज क्यों नहीं खत्म किया जा सकता ये किए जा सकते हैं लोगों की बड़े थले लैवल से लुट हो रही है मैं तो हैरानी है कि थाने की बोली होंगी है एस एच ओ लगते हैं जो पैसा चढ़ाते हैं मौके के एम एल ए और थाने के तहसील और ब्लाक लैवल से तीन अदारे ने जिन्हें लोगों की सब तो ज़्यादा लुट होंगी है इन्हों क्यों नहीं रोकया जा सकता ये सारी लुट न सारी करप्शन खत्म करांगे ताकि लोगों ठीक इंसाफ मिले ठीक जरा कलीन प्रबंध मिले ठीक गवर्नेंस होवे और लोगों के मुद्दे ही असैम्बली ठीक उचारे जा ठीक मते पास हो क्योंकि सर पंजाब दे विच नशा वोटां दे विच जदों बहुत वड्डे पद्धर ते वंडिया जांदा पैसे की राजनीति नाल वोटां खरीदियां जांदियां तुसीं इहदा किस तरह मुकाबला करोगे? देखो नशे दे व्यापारी तस्करी चलती है बॉर्डर तो आउंदा है इह च लगदा कुछ नहीं नशा बिकदा किस तरह जे सियासतदानां नूं पुलिस अफसरां नूं उहनां दे हिस्से मिलदे आ पैसा जांदा तां बिकदा है क्राइम हुंदा तां है क्राइम होने तो पहला थाने पता होंगे कि क्राइम होना है उत्थे यह सिस्टम तो बंद किया जा सकता जो जा हिस्सापत्ती किसी ने लेनी तो उन्होंने वो बड़े थोड़े ने जे नीयत हो सारा बंद हो सकता है ये सरकार वादे कर दी रही गुटका साहब के हथ धर के पर सारे ने नशे को प्रमोट ही किया बंद नहीं किया क्योंकि वोटा लेंदे ने उस असी वोटा नहीं लैनिया वो राही ना असी नशा वंडना है ना असी पैसा देना ना असी लिकर वंडना है फिर तो साढ़ा आने की कोई लोड़ नहीं जे रवायती पार्टियां वर्गे ही असी तो राज शक्ति नोट शक्ति इसका टकरा लोक शक्ति नाल करना है ईमानदार होकर करना है जिस तरह वकील साहब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी ते अकाली दल वाले हुण वादे दे वादे लोगों नाल कर रहे हैं लोगों नूं लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों नाल वड्डे वड्डे वो वादे कर रहे जिहड़े पता भी पूरे नहीं किए जा सकते थोड़ा उन्हां बारे की कहना जी? देखो लोगों नूं भुखारी बना के ना राज करना गलत है हुण तुसीं छोटे छोटे वादे दे के बुरकियां पा पा के वोटां लो तो उन्हां दा बाद च अर्थ कोई नहीं असी तो बेसिक हल करना चाहते हैं जे पंजाब के लोगों की आमदन च वाधा हो जाए तो उन्होंने बुरकियां पाने की लोड़ नहीं है खेतीबाड़ी प्रफुल्लित हो किसान की आमदन वधे किसान के सिर कर्जा क्यों चढ़ूगा उन्हों जिनसा के वाजब भाव मिले एम एस पी ठीक मिले सारिया जिनसा की एम एस पी मिले जिहड़ियां लागत कीमतों ने कारखानेदार बनांदा है कीड़ेमार दवाइया ने मशीनरी है बीज ने यह सारी प्राइवेट हत्थां दी दित्ती हुई है सरकार बनावे सबसिडी खर्चे भी घट जाण तो यह चीज़ों के उपर हर वर्ग की इंडस्ट्री है इंडस्ट्री के सारा इंस्पैक्टरी राज है
पैसे लेंदे आ तुहाडे तुहाडे इंडस्ट्री नहीं चलती, पंजाब तो सारी इंडस्ट्री भज के हिमाचल भजी जाती है। इसलिए रुजगार का भी सवाल है, जे मैरिट के तुसीं भर्तियां करनियां नहीं, कंट्रैक्ट इंपलायमेंट है उन्होंने जी नौकरियां सेल दे पुराने बोली लगनी है, तो फिर इतने जो कैलीबर वाले लोगों को नौकरियां क्यों मिलनगियां, सारे बाहर भजनगे, इन्हों का हल किया जाएगा। लश्कर सिंह जी, सिंह समाज मोर्चा के कैंडीडेट जोड़े मैदान से उतारे गए हैं वो ताे दर से जाए है, तुम इन बारे की कहना चाह रहे हैं जी? तो प्रेम सिंह पंगू जी, इन्होंने मैं लगभग पिछले 40 साल तो जानता जी, मतलब किसी बंदे के किरदार 40 साल बहुत होंगे जानने वास्ते, इन्हें कोई 0% डिफेक्ट है, इन्हों की असं रज के मदद करेंगे जिन्ने तरह भी जिस ढंग भी हो सके, इन्हों टाइम भी देंगे, इन्हों होर जिमें भी साढ़े को सहयोग मंगणगे असं पूरी इन्होंने मदद। किन्नी आस है जी मतलब थोनों ए जित जी, क्योंकि इन्होंने मुकाबले होर वे वे कैंडेट खड़े जो पिछले काफ़ी काफ़ी समय तो राजनीति है, वैसे तो यह भी राजनीति पहले है, बट ये इस राजनीति नहीं सके शायद पहली बार आए हैं, थोड़ा किन्ना आस लगती है भी किन्नी जित प्राप्त कर लेंगे? ये जो कंसैप्ट लैके आए हैं ना लोगों से, वो एक बहुत ही नवा कंसैप्ट है, और पहला जो आप इधर मोर्चे वाल गए थे तो उदों भी लोगों को उम्मीद नहीं सी कि होगा, बट ये चीज़ों तो असं अंदाजा लाने कि जी पंजाब एजुकेशन आई है, इन्होंने चीज़ों लोगों जागृति आई है, वो इस चीज़ में 100% इन्हों की मदद करेंगे। मतलब जी आप कई बार गल करते हैं कि किनिया सीटा आनगी, तुम ये सोचो भी यह जहाँ कंसैप्ट हो सीट आएगी कि पूरे पंजाब लोग बड़े सियाने है, अजक टेलीविजन हरेक जगह है, सारी मतलब इनफॉर्मेशन जाती हैगी है, तो मैं इन्हों शुभकामनावान दिना इन्हों हमेशा पूरी मदद आ लै चूरी बन दिती है, गर्म गर्म रोटी ते दाल लई बंते नु दुपहरे घर भेज देवी। ते बेबे मेरी रोटी आ पई है मंजे ते। ठीक है तंतो। हाँ रब सदा सलामत रखे बादल नु, सस्ता आटा ते दाल दवा के सानू गरीबां नु दो जून दी रोटी पक्की कर दिती। आटा दाल स्कीम नाल असी भुखे नहीं सोए कदे। ऐतकी वोट बादल नहीं पानी है, गलती ना करी इस बार। वोट पानी उन्हां नूं जिहड़े समझण साडे दर्दां नूं।